हाँ भाई नमस्कार मित्रों, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और कुछ ख़ास वजह तो नहीं, लेकिन कुछ मतलब मेरी व्यक्तिगत कुछ निजी परेशानियाँ थी जिसकी वजह से जो है मैं लेट रहा, नहीं आ पाया। तो फ़िलहाल आज कहीं घूमने घामने का जो है अपना मूड बना तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेता हूँ और घुमाता हूँ आप लोगों को। तो आज हम चल रहे हैं अपने घर से चित्रकूट धाम और रास्ते का आनंद लेते हुए आप लोगों के लिए ये ब्लॉग छोटा सा जो भी कोशिश है वो पेश कर रहे हैं। तो बताइए, फ़िलहाल मैं अपने दीदी जीजा और अपनी वाइफ, मैं दोनों बच्चों को लेकर के आया हूँ। गाड़ी अभी रोकी है हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बिंदकी में, अभी रोक दिए हैं थोड़ा सा चाय वाय, और बच्चों को थोड़ा सा जो है वो हो रहा था सफोकेशन, तो यहाँ पर यहाँ से प्रस्थान करते हैं आके। ये अपना जो है पूड़ी सब्जी, ये नाश्ता आप देख रहे हो, ये जो है अभी रास्ते का जो है भोजन अल्प आहार, ये अपना रेडी हो चुका है तो ये लेते हैं। और ये हमारी फैमिली मेंबर्स देख सकते हो आप, ये हमारे जीजा जी, ये हमारी दीजी, ये बच्चे और ये हो जाइए आप लोगों, ये भी टू की टू। तो चलिए कुछ अल्पाहार ले लेते हैं, उसके बाद सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। ज़्यादा तो नहीं, जितना हो सकेगा उतना कवर करने का कोशिश करूँगा, तो बने रहिए ब्लॉग पर। सो चलते हैं, बैठो भाई गाड़ी में, बैठो जल्दी। ये एक ढाबा और ढाबे में पानी की उत्तम व्यवस्था, ट्यूबवेल का पानी। तो आप सीधे प्रस्थान करते हैं गंतव्य की ओर, तो चलते भाई। चाबी कहाँ है कार की? ये देखो, 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 ये चुल्ली, ये कौन है भाई? हाय बोल दो चुल्ली को भाई। मित्रों, ये आप सबकी भतीजी, प्यारी चहेती मेरी बेटी, रोड पे नहीं, इधर इधर मेरी, इधर आर और ये दोनों शैतान, एक मेरा बच्चा है, एक भांजा है और ये मेरी चुल्ली। कौन है ये? ये कौन है भाई? देखो ये कौन है भाई? ये कौन है? हम लोग कहाँ पले भाई? हम लोग कहाँ पले चुल्ली? हम लोग कहाँ पले भाई? गाली जा रही है चुल्ली का नहीं। चलो भाई, चलो भाई चुल्ली नहीं। सो चलते हैं, बैठो भाई गाड़ी में, बैठो जल्दी। भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं इस समय यमुना जी के पास और फिलहाल Oh, oh, oh.
पैक का डालना था कह रही थी। डालो अभी, ले नहीं रहा है इसमें, लगा रहा है नहीं आ रहा है, नहीं ले रहा मैं। जय हो यमुना मैया। नंदन ले क्यों नहीं रहा? बस हम लोग नहीं डालते भैया, मम्मा डालती है। नंदन ये क्यों नहीं रहा? हमने लगा दिया सब, तो नया दूसरा मुंह ढीला पड़ रहा हो सकता है। दादा डाल रहा है, दादा नहीं डाल रहा है ना? नहीं पापा से पूछो। नहीं बच्चे नहीं डालते हैं, बड़े डालते हैं। ये यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट है क्या? अच्छा तो फिलहाल हम आ गए हैं कामतानाथ द्वार पर, और यहाँ से परिक्रमा जो है जो कि 5 किलोमीटर की लगभग होती है, और कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आने पर इस परिक्रमा को जो पूर्ण करता है उसकी मतलब मन की सारी इच्छाएं जो है पूर्ति होती हैं, ऐसी मानता है यहाँ की। तो फिलहाल मैं भी अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए। कौन से वाटर 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 स्टेशन। और यहाँ पर पोज देने को रुक गए हम लोग, तो चलते हैं भाई परिक्रमा की ओर। अपना ही मजा है भाई इस परिक्रमा का, अपना ही मजा है। देखिए दूर दूर तक मेरे पीछे फिलहाल कोई नहीं, अभी कुछ लोग पीछे से जरूर आ रहे हैं। और ये राम जानकी मंदिर के समीप आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये शनि देव का मंदिर, जय शनि देव। राम जानकी महल है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। चलिए हो गया। ऐसी मान्यता है, और ये कोसी परिक्रमा है, भाग्यों से मिलती है, हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है। ये सुंदर कहा जाता है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता है, ये सुंदरकांड में चौपाई कही गई है। ये प्रायोजित है कि हम लोग भी कहीं आने के इस मतलब तैयारी तो थी नहीं, पर प्रभु की इच्छा। मोबाइल देख रहा मेरा। यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है, हाँ, यहाँ बंदर बहुत है, इनका पालन पोषण तभी हो पाएगा, हाँ, तो लोग हर पूर्णमासी को यहाँ पे चने डालते हैं पहाड़ों में, और वो अच्छा। चनों की ऐसी ग्रोथ होती है कि साल भर बंदर खा के मतलब उनका। बेटा इधर आओ, पीछे आओ, मंकी रहे धीरे धीरे, मंकी है आगे, हाँ धीरे धीरे चलो इधर आओ। तो चने का क्या होता है रोल? चने का रोल ये होता है कि हर पूर्णमासी को परिक्रमा करते टाइम लोग चने फैलाते हैं, मतलब अच्छा, चने डालते आते हैं। अच्छा तो कहते हैं लाखों की भीड़ आती है, तो लाखों लोगों में अगर 50,000 आदमी भी चने डालता है, हाँ, तो इतना चना हो जाता है कि वो बंदर साल भर तक उसको खाते रहते, क्योंकि रोज तो यहाँ परिक्रमा इतने लोग, इतने लोग तो आते नहीं है, और बंदरों का अपना भोजन यहाँ पर होता है वो उसी पे बस पे होता है। अच्छा बंदर है उधर काटे का आपको भैया, मंकी है इधर आ जाओ, नहीं तुम्हें काट ले, तुम ही काटे बेटा, इधर नहीं आगे नहीं, हाँ तुम्हें काटेगा, आओ चलो साथ में भागो नहीं। बहुत ही आनंद है, रात का सीन है, रात का सीन, और रात के समय जो है परिक्रमा करने का अपना ही मजा है।
तो अब ये पहली शुरुआत हुई है, पहला स्थल है जहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ से वापस लौटने के बाद फिर कल कहीं और, और ये आ चुके हैं महानिर्माणी अखाड़े के पास। कुछ है ये भी, अभी तक महज एक 1.25 किलोमीटर के आसपास या 1 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा ही पूर्ण हुई है हमारी। अभी तो 4 किलोमीटर लगभग परिक्रमा भी और करनी है, ऐसा कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया है। तो चलिए जय जयकार लगाते हुए बढ़ते हैं आगे। और ये फिर कुछ कुछ दूरी पर दोस्तों ज़रूरत के कुछ सामान सामग्री है, कुछ धार्मिक सामग्री है, कुछ हवन सामग्री वगैरह लेनी है पूजन पाठ के लिए। तो छोटे छोटे मंदिर और छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर मिल रही हैं। और ये देखिए ये गणेश जी का और शंकर पार्वती, ये पूर्ण परिवार है लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ और क्या, ये श्रद्धा है भैया की। और इसे भी देखिए यहाँ पर इस तरह से भी लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है लोग परिक्रमा पूर्ण करते हैं। तो कुछ देर का विश्राम यहाँ पर फरमाते हुए आवश्यक भी है। तो आओ इधर आ जाओ। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है फोटो शूट हो रहा है भाई, विश्राम भी हो जाएगा, आराम कर ले थोड़ा। और अब आएगा इस तरह से।